इतनी रात में कहां से आ गया? तो ध्यान से सुनना, तुलसीदास जी ने कहा कि तेरी याद इतनी आ रही है, रोटी खाऊं तो रोटी नहीं भाए, पानी पियूं तो पानी की प्यास यहां लगे, तेरी याद इतनी आई है, इस कारण मुझे आना पड़ा। तो प्रभु रात भर पानी गिर रहा है, काय से आए आप लोग? जिधर जिधर उधर नदी नाले उफान पर है, कहां से आ गए? तुलसीदास जी ने कहा कि कौन सी डरने वाली बात रही, ये लालटेन लगा, देख एक ढूंढ जा रहा था लकड़ी का, उसके ऊपर पेट करके आ गया। तो रत्ना ने जैसे ही लालटेन लगाया, वो ढूंढ नहीं था, कोई मुर्दा बेहता बेहता जा रहा था, उसके दादा ऊपर बैठ के आ गया, मुर्दे को। यहां तक ठीक है, पर आप मेरी अटारी ऊपर कैसे चढ़े? बोले अटारी वाली तू बात करिए, तेरा और मेरा प्रेम इतना था कि काली कट रस्सी टंगी उसको पकड़ करके तेरे पास में आ गया। और रत्ना ने देखा कि स्वामी ये रस्सी नहीं है, ये तो काला नाग है, इस नाग को पकड़ करके आ गए। और आखिरी जवाब मेरी बहने ध्यान से सुन लेना, तुलसीदास की धर्म पत्नी ने कहा कि पानी गिरा उसके बाद भी मिलने के लिए आए, अटारी पर चढ़कर आए, तुमको आभास भी नहीं तो मुर्दे के ऊपर बैठ कर आए। स्वामी अगर आपने मुझसे इतना प्रेम किया, अगर इतना प्रेम राम से कर लेते तो तुमको राम दर्शन देने। तुलसीदास जी को बस कहते ना, शब्द की चोट, इंसान होगा तो शब्द की चोट लगेगी, और इंसान नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी ने जब इतनी बड़ी बात कही तो आपको मैं बता दूं कि वही तुलसीदास अपनी धर्म पत्नी के चरण में गिरने में देर नहीं कर रहा है। आज तूने मेरी आंख खोल दी, और आज मैं कह रहा हूं, अभी तक मैंने तेरे को पत्नी के भाव में देखा, अभी तक मैंने प्रियतमा के रूप में देखा, अभी तक मैंने प्रेमिका के रूप में देखा, पर आज ये तुलसीदास कह रहा है कि तू मेरी धर्म पत्नी नहीं है, आज से तू मेरी गुरु हो गई और मैं तेरा शिष्य हो गया। और वही तुलसीदास आप लोग शिवतोड़ा जाते हैं और रामचरितमानस का जहां पर पाठ किया जाता है, उसी तुलसीदास की एक रचना कहते हैं। कर अपमाना मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, कभी भी आपके जीवन में आपके पति का अपमान मत करना। एक बार भगवान के पास में चलो नहीं जाओगे चलेगा, भगवान को जल नहीं चढ़ाओगे चलेगा, भगवान को बिल पत्थर नहीं चढ़ाओगे चलेगा, परंतु अपने पति का अपमान, पति तो सब कुछ है। हिंदू जाति के अंदर कोई भगवान माने या नहीं माने, मैं तो पति को भगवान मान लिया तो आपका जीवन सवरने में भी देर नहीं लगेगी। और आज वही रति ने ऐसा ज्ञान दिया कि आज प्रद्युम्न को ज्ञान हुआ और समरासुर का आज यहाँ पर वध हो जाता है। सुखदेव जी महाराज आगे कथा में कहते हैं, एक सत्राजी भगवान सूर्य का भक्त, इतना आराधन किया, इतना आराधन किया, सूर्यनारायण भगवान ने मणि दे दी कि ले कभी तू मेरा आराधन करता है, जब पानी गिरता मैं तेरे को दर्शन नहीं देता हूँ, तेरे गले में मणि रहेगी तो तू दर्शन करके भोजन करने में देर। सत्राजित के गले में मणि, मणि, और ध्यान से सुनना, उस मणि का नियम था कि 16 भार सोना रोजाना देती थी, कितना 16 भार। जैसे ही सत्राजित उस मणि को पहन करके आया, कृष्ण भगवान ने कह दिया कि ए सत्राजित ये तेरी मणि किस काम की, अगर ये सोना होता है ना तो प्रजा के लिए सोना दे देना चाहिए तेरे को। सत्राजित ने कहा कि देखो कृष्ण, मैंने भगवान से आराधन करके मांगी, ये देने के लिए कोई नहीं मांगी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि दे तो देने नहीं दे तो ये तेरी इच्छा, मैंने तो मांग ली थी प्रजा के लिए और कहा है ना
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कृष्ण भगवान ने मणि मांगी और मणि नहीं दी। कथा को ध्यान से सुनना। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि को पहना शिकार खेलने के लिए गया, चलता गया चलता गया, एक जानवर ने आया और प्रसेन को मारने में देर नहीं करी। दुनिया कलंक लगाने में देर नहीं करती है। ध्यान से सुनना, मेरी बहन हो ना कोई, अगर मेरी बहन यहाँ से मान लो चोमा पढ़ने के लिए जाए, मेरी बहन कोई कानड़ पढ़ने के लिए जाए, और अगर कोई मोटर में किसी से बात कर लेना, तो ये दुनिया वाले कलंक लगाने में भी देर नहीं करेंगे। क्या अंदाजा है आपको? कौन से भाव से बात कर रही है? कौन सा अंदाजा है आपका? और आपको मैं बता दूं, हमारे पास में तो फोन पे बहुत सारी बातें आती है, तो जरूरी थोड़ी है कि हर भाभी की नजर गंदी होगी। जरूरी नहीं है हर बहन की नजर गंदी होगी। कोई गुरु के रूप में देखती होगी, कोई भाई के रूप में देखती होगी, और अगर कोई मिला या ना मिला तो मित्र के रूप में देखने में दुनिया तो कलंक लगाती है। कृष्ण भगवान के ऊपर कलंक लग गया कि इसने मणि के चक्कर में, इस मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार डाला। कृष्ण भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा, पर दुनिया कौन विश्वास करे? आज आपके घर में कोई आता है कलंक लगा दे या मेरे ऊपर लगा दे, तो याद रखना इज्जतदार आदमी या तो गांव छोड़ करके चला जाएगा, और अगर गांव नहीं छोड़ेगा तो कहां कुएं पे जाके अपनी जान देने में भी देर। इज्जतदार और जिसको इज्जत की परवाह नहीं, वो क्या मरेगा उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ये मणि का कलंक, इस कलंक को मैं धोऊंगा। और उसी समय कृष्ण भगवान ने अपने साथियों को साथ में लिया और आज सभी गांव वालों को कह दिया कि देखो 28 दिन के अंदर अगर आ गया तो ठीक, और 28 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो ये समझ लेना कि कृष्ण ने प्राण छोड़ने में देर नहीं करी। इज्जतदार सम्मान मान। कृष्ण भगवान चले, आगे चलते गए। सबसे पहले मरा हुआ घोड़ा दिखा, कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रसेन का घोड़ा। आगे गए, प्रसेन का एक ढांचा लाश मिली, भगवान ने कहा कि ये भी मर गया। और आगे बढ़ा, किसने मारा? एक शेर मरा हुआ पड़ा, भगवान ने कहा कि मारने वाला और कोई भी आगे रहता होगा। भगवान आगे बढ़ते गए और देखा कि एक गुफा, कृष्ण भगवान ने कहा कि मारने वाला इसी गुफा में है, और साथियों से कह दिया ये बस आखिरी मंजिल है, यहाँ पे अपने मणि मिलेगी, और अगर मणि नहीं मिली तो कृष्ण कभी आने वाला नहीं। गुफा के अंदर प्रवेश किया मेरे भगवान ने, और जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया उसी समय एक कन्या मणि को लेकर के खेल रही। भगवान ने कहा कि मणि तो मिल गई, पर कन्या से मणि मांगी, कन्या ने आवाज लगा दी पिताजी। उसी समय एक भयानक बीच आया, भयानक भालू भगवान के सामने युद्ध करने लगा, इतना युद्ध करने लगा। कभी ये भी नहीं हारता तो भगवान भी नहीं हारते। आज 28 दिन हो गए और अंत में भालू समझ गया कि ये कोई दूसरा नहीं, ये कोई भगवान मेरे घर पर आया है। भगवान से कहा कि प्रभु आप कौन हो, आपका परिचय दे दो। तो आज मैं भगवान ने कहा कि भूल गया रे जामवंत, ये कौन है? जामवंत जी है। कहा कि त्रेता युग में तूने मेरी बहुत सेवा करी, और आज ऐसा है कि तू मेरे ऊपर लपड़ मार रहा, थप्पड़ मार रहा, चरण में गिर गया, शरण में गिर गया। प्रभु मुझे आप ऐसे रूप में अच्छे नहीं लगते हो, मुझे तो आप मेरे राम के रूप में दर्शन कराओ। और देखो युग चल रहा है द्वापर, और भक्त के कारण मेरे भगवान ने कौन सा रूप धरा है आज? तो कहा कि त्रिमुरली अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। किसके कारण?
आज कृष्ण भगवान का रूप हटाया और मेरे भगवान ने आज इतना अच्छा रूप दिया है, राम जी का दर्शन कराया। आज राम जी को प्रणाम करें। बोले राजाधिराज रामचंद्र भगवान के। और आज जब भगवान जा रहे हैं ना, तो जामवंत ने कहा कि आपसे अच्छा कौन मेरे को दामाद मिलेगा, प्रभु कहाँ जाऊंगा ढूंढने के लिए, मेरी बेटी का नाम है जामवंती, हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर आशीर्वाद रखते हो तो मेरी बेटी से विवाह करने में भी। और आंख के द्वारा आंसू निकले और आज जामवंत आज इतना रोने लगा है, इतना रोने लगा है, इतना रोने लगा है और कहता है Stop.
बड़ा रामदेव जी का सुंदर भजन था भजन होता है कितना अलौकिक भजन है। सुगणा ने रोते रोते मेरे बाबा रामदेव जी को याद किया और इतनी करुणा के साथ में मेरे भगवान को कितनी देखो भाव को समझना कितनी बड़ी बात कहता है। बेटी है परायो धन
जो अपनी बेटी है ना यहाँ पे नहीं रहेंगे, बेटा तो यहाँ पे रहेगा और बेटी कभी भी रहने वाली नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी बहने, कभी कभी लोग कहते हैं कि बेटी से माँ प्रेम करती है, पर आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात में बात बोलना चाहता हूँ कि माँ बेटी से जितना प्रेम करती है उससे ज्यादा प्रेम पिता करता है। पिता बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और अंदाजा लगाना जिस समय बेटी की विदाई होती है ना उस समय का दृश्य थोड़ा ले जा रहा हूँ आपको आंतरिक भाव से। वो बेटी जब विदाई होती है तो अंदाजा लगाना जब उस बेटी की विदाई हो रही है तो सब घर के रिश्तेदार रो रहे हैं, उसकी सखियां रो रही है, माँ रो रही है। कभी आपने अंदाजा लगाया कि उसका पिता कहां पर है? अंदाजा लगाया नहीं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात में बोलना चाहता हूँ कि उसका पिता सामने नहीं रहता है पर उसका पिता आड़ में अकेला रोता रहता है। उस पिता की करुणा बेटी है परायोधन पिहरियारी रीत है कल थारी बारी मीरा बचपन और भगवान करे अगर अंदाजा लगा लो कि उसको पति अच्छा मिले ससुराल अच्छा मिले पर अंदाजा लगा लो अगर उसको ससुराल अच्छा नहीं मिला क्या बीतती होगी उसके ऊपर अंदाजा लगाओ। कहा अपने भाई को याद करके कहती है कभी तो अभी मारी भी सिवास है अपने भाई को याद कर रही है मेरे पीरा कभी ना कभी आएगा मुझे लेकर के आएगा और यही चरण वंदन करते हुए आज जामवंती को आज मेरे भगवान के साथ में विदा कर दिया। जय जयकारा करें बोलो वृंदावन बिहार की। 17 चित को मालूम पड़ी कि मैंने कृष्ण के ऊपर मणि का कलंक लगा दिया, बहुत गलत किया। विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से सलाम मांगी तो लोगों ने एक ही बात कह दी कि देख रहे सत्रह जी तेरी भी एक बेटी है, कृष्ण भगवान को तूने कलंक लगाया, बहुत गलत कर दिया, एक काम कर इनको दामाद बना ले, जमाई बना ले, लड़ाई खत्म होने में। तेरी बेटी का नाम है सत्यभामा, सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह कर दे। और आज सत्रह जीत ने सत्यभामा के साथ में विवाह कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गिनते जाना भगवान के ब्याह, कितने ब्याह हुए भगवान के अभी तक याद है कि बस इधर की कथा इधर सुन के निकाल दी। पहला भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ में जो अपन ने कल दर्शन किया, दूसरा विवाह भी जामवंती के साथ में हुआ और तीसरा विवाह भगवान का हो रहा सत्य भामा के साथ में। और अब मेरे भगवान का चौथा विवाह हो रहा है कालिंदी के तट पर, मेरे कृष्ण भगवान और अर्जुन को लेकर यमुना जी के तट पर घूम रहे हैं। अर्जुन ने देखा ये एक कन्या तट पर बैठकर भगवान का स्मरण कर रही है, भगवान के चरणों में मन लगा रही है, भगवान के प्रति मन को अर्पित कर रही है। और उसी समय मेरे भगवान ने कहा कि अर्जुन से कहा कि जब पूछ के आ कि ये कौन है इसका परिचय तो जान। अर्जुन दौड़े दौड़े गए और कहने लगे आप कौन हो? तो उस कन्या का जवाब सुनना, कहने लगी मैं रवि तनया तप करूं, मैं सूर्य की बेटी बेटी। आपका नाम क्या? तो बोले मेरा नाम कालिंदी। तो आप तप क्यों कर रही हो, आप आराधन क्यों कर रही हो? तो कहा अभिलाषा यह पति मिले, भगवान की तरफ इशारा कर दिया, ये पति मिल जाए तो आनंद आ जाए। भगवान के सामने अर्जुन दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा भगवान आपके लिए तो एक लाड़ी और तैयार, करना क्या? कृष्ण भगवान ने कहा कि जो कोई मेरे को भाव से देखे, जो कोई मेरे को प्रेम से देखे तो मैं तो उसके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ में। और पांचवा विवाह मेरे भगवान का हुआ मित्र वृंदा के साथ में। कितना विवाह? पांचवा।
और छठा विवाह मेरे भगवान का हुआ सत्या के साथ में, सातवां मेरे भगवान का विवाह हुआ भद्रा के साथ में, और आठवां विवाह मेरे भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ में। ये भगवान की आठ पटरंग कितनी हो गई? अभी तो भगवान के ब्याह का नौ और बाकी है, अभी तो आठ ही आए हैं, 16,100 और बाकी है। तो सीधे हम लोग चले एक सत्यभामा के महल में आकर इंद्र ने प्रार्थना करी कि मातेश्वरी, एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना बना। भगवान को याद कर रही है, भगवान आए और जेल खाने से मुझे निकाल करके चले जाए। सत्य भामा ने भगवान से कहा, पर भगवान आज प्रांग ज्योतिष नाम के नगर में गए हैं, सब कन्याओं को जेल खाने से निकाल दिया, कहा अपने अपने घर पे चले जाए। सब कन्याओं ने कहा भगवान हम हमारे घर नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले आज का जमाना ये है कि भौमासुर की कारागार में हम इतने दिन रहे तो ना तो हमारे माँ अपनाएगी, ना पिताजी अपनाएंगे, और ना कोई हमारे साथ में विवाह करने के लिए तैयार। भगवान ने कहा कि डरो मत, जिसका कोई भी नहीं उसका कृष्ण, कोई अपवित्र माने तो कृष्ण पवित्र मानेगा। डरो मत, तुम कह रहे हो ना तुम्हारे साथ में कोई विवाह नहीं करे, मेरे कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसका कोई नहीं, कोई किसी को सम्मान दे या ना दे, मेरा भगवान सभी को सम्मान देने में। और आज कितने ब्राह्मण बुलाए हुए? 16,100। सब ब्राह्मणों को बुलाया और विधि विधान के साथ में मेरे भगवान ने 16,100 रानियों के साथ में विवाह किया। आज भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। और ध्यान से सुनना, भगवान ने 16,108 रानी के यहाँ पर विवाह किया और प्रत्येक रानी के यहाँ पे 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। गुणा करो, 16,108 गुणित 10। अब आज कहाँ जोड़ोगे, टाइम तो इन्हीं भंडारे का समय हो रहा है। मैं बता देता हूँ कितना बड़ा परिवार, 1,61,080 पुत्र भगवान का बहुत परिवार है। और रानियां तो सभी नाच रही है ना, चलो आओ हम भी थोड़ा भगवान के लिए नृत्य करें आनंद के साथ। मेरे कान्हा की बंसी बज रही है, वही भजन मेरा। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, या तो बंसी बाजे, हम पर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। Thank you.
मत बोलो, ठंडे मत बोलो, आज भंडारे की बहुत बड़ी व्यवस्था है। जोर से बोलो थोड़ा।